नमस्कार सबको। आज दिन की सर्व समाज सद्भावना यात्रा निकालने जा रहा हूँ, जो कि 5 तारीख को 8 बजे मालासर मठ से यात्रा शुरू होगी। 1 बजे सूतनी पहुँचेगी और वहाँ सूतनी के अंदर 2 घंटे का विश्राम और खाना, उसके बाद में खासगी मंदिर पर रात को जागरण और वहाँ पर खाना, उसके बाद 6 तारीख को सुबह खासगी से मंदिर से देवी का दर्शन करके वहाँ से निकलेंगे और पहुँचेंगे हाडेचा। हाडेचा में रात को विश्राम है, हाडेचरा में विश्राम करके 7 तारीख को सुबह वहाँ से निकलेंगे, वाया आमली होते हुए जाएंगे चितलवाना। रात्रि विश्राम चितलवाना में है और चितलवाना में विश्राम के बाद में 8 तारीख को सुबह वहाँ से रवाना होकर के सुबह दिन को 1 बजे सेवाड़ा पहुँचेंगे। वहाँ घंटा भर विश्राम करके रात्रि विश्राम डेढ़वा में करेंगे और रात्रि विश्राम डेढ़वा में कर करके वहाँ से सुबह रवाना होकर 8 बजे और दमना का गोड़िया पहुँचेंगे। वहाँ चाय नाश्ता खाना करके वहाँ से फिर रवाना होकर के सांचौर में विष्णु की धर्मशाला और चौधरियों की धर्मशाला होते हुए ये जो मूर्ति है भीमराव अंबेडकर की, उस मूर्ति के पास में आकर के इसका समापन किया जाएगा। सर, जो यात्रा का आपने रूट बताया है, इस दरमियान क्या वाहनों से यात्रा निकाली जाएगी या फिर पैदल? वाहन कोई यात्रा नहीं है, पैदल यात्रा है। पैदल यात्रा है, पैदल यात्रा है। जो भी आदमी आएंगे जुड़ेंगे वो साथ साथ चलेंगे। इस यात्रा से आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को प्रेम भावना, आपसी प्रेम भाव बनाना, सद्भावना रखना, ये इस यात्रा का उद्देश्य है। सर्व, इसका नाम ही रखा है सर्व समाज सद्भावना यात्रा। हाल ही में कांग्रेस के प्रवेशक यहाँ पर आए थे, आपने उनसे मिलकर अपनी दावेदारी जताई थी, आने वाले समय में चुनाव है, वो क्या पॉलिटिकल बातें हैं? आज वो पॉलिटिकल बात मैं नहीं करूँगा। आज तो सिर्फ इसी बात पर जोर रखेंगे कि सर्व समाज सद्भावना, आपस में समाजों के अंदर भाईचारा। मैं 10 साल यहाँ MLA रहा था, उस टाइम जिस तरीके का मेरे कार्यकाल था, लोगों के साथ में मेरा जैसा प्रेम भाव था, वही प्रेम भाव वापस बनाने के लिए मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। सर, अब इस सद्भावना यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? सद्भावना की तो कोई कोई वजह होता है, अभी आपसे थोड़ा बहुत तनाव होता है, जो भी होता है। बाकी कई समाजें हैं, 36 वर्ण के लोग हैं साथ में और मेरे चुनाव के अंदर 37 ही वर्ण के लोग मेरे साथ रहते हैं।